लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं का निराकरण आपके वचनों से हो गया माननीय। अब मूड एकदम फ्रेश हो गया सर, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की साधना स्थली केदारनाथ के राज्य उत्तराखंड से कक्षा 10वीं के मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल श्रीमान से मार्गदर्शन चाहते हैं। मे वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सुप्रभात, मैं मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार उत्तराखंड से कक्षा 10 का छात्र हूँ। सफल लोग जैसे बिल गेट्स, थॉमस एडिसन और मार्क जुकरबर्ग अपने प्रारंभिक जीवन में असफल साबित हुए हैं, अतः परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा ही किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु हम अपना कितना ध्यान केंद्रित करें? धन्यवाद। धन्यवाद मयंक। माननीय प्रधानमंत्री जी, मयंक यह जानना चाहते हैं कि जीवन में सफलता का मापदंड क्या केवल परीक्षा में प्राप्त मार्क्स हैं? आपकी चिंता सही है और शायद हर विद्यार्थी को घर में और स्कूल में लगातार इसी का मुकाबला करना पड़ता होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के, जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा, एक बार मार्क्स ले आऊं। माँ बाप भी यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, अरे भाई पहले तुम 10वीं बढ़िया कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर 11वीं में आएंगे तो फिर क्या, भाई बात बराबर है लेकिन 12वीं बहुत महत्व की है, जरा इस पर जोर लगा दो। फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की, इस पर जोर लगा दो। उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें, उत्साहित करें, लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा, आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है, सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। जिस दिन माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। आपने देखा होगा किसान, हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है, आधुनिक करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है। और इसलिए मैं साफ कहूंगा कि परीक्षा का महत्व है, उसके बावजूद भी परीक्षा ही जिंदगी है, ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं।